अगर आपने भी एक नया पीसी खरीदा है या फिर अपने पीसी की विंडो चेंज करवाई है, तो ऐसे में आप अपने पीसी के अंदर एक अलग ड्राइव कैसे बना सकते हैं जहां पर आप जो है अपना पर्सनल डेटा को सिक्योर रख सके, यानी कि उसको सेफ रख सके। क्योंकि दोस्तों जो हमारे पीसी की ओरिजिनल ड्राइव होती है, यानी कि जो मेन ड्राइव होती है लोकल डिस्क सी, उसमें अगर आप अपना डेटा डालेंगे, कुछ भी वीडियोज़ फोटो डालेंगे, तो आपकी जो है वो मेमोरी जो है बहुत जल्दी भर जाएगी। और ऐसे में जब ये वाली डिस्क की मेमोरी ज़्यादा भर जाती है तो हमारा कंप्यूटर जो है अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता, वो हैंग होने लगता है। तो जितनी ज्यादा ये वाली खाली रहेगी डिस्क, उतना ज्यादा हमारा कंप्यूटर अच्छा वर्क करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो इस एक डिस्क के अलावा आप एक अलग ड्राइव कैसे बना सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, ये जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। मैं पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन ओपन कर लिया है। तो यहां पर हम क्लिक करके दिखाता हूं दिस पीसी पर जाकर के कि मेरे जो है अभी कितनी ड्राइव है मेरे कंप्यूटर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर एक ही ड्राइव है जो मेन ड्राइव होती है कंप्यूटर की, लोकल डिस्क सी। तो इसके अलावा हमें एक और ड्राइव बनानी है, वो हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं बैक करना है आपको, दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे तो मैनेज का ऑप्शन आएगा, एक मैनेज पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक अलग ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट इसको देख सकते हैं आप, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो है जो डिस्क है आपके कंप्यूटर के अंदर, उसकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, तो वो कितने GB की है, उसमें कितना MB स्पेस है, कितने GB स्पेस है, तो ये सारा आ जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों श्रिंक वॉल्यूम इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ सेकंड का आपको वेट करना है। वेट करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आप जो नई डिस्क बनाना चाहते हैं, नई ड्राइव बनाना चाहते हैं, उसका कितना स्टोरेज रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप दोस्तों MB में आपको कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं 50 GB की एक ड्राइव बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे 50,000 लिखना है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं 50,000 लिख दूंगा। आपको जितनी GB की बनाना है उसको MB में कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर श्रिंक के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, जब ये मैं डाल दूँ यहाँ पर 50,000, इनकी 50 GB का मुझे एक स्टोरेज ड्राइव बनाना है, तो श्रिंक पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा। ये टाइम लेने के बाद यहाँ पर हमारी एक ऑप्शन आ जाएगा दूसरा, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हमारा एक अलग ड्राइव बन चुका है। अब इसको नाम देने के लिए इस पर आपको राइट साइड क्लिक करना है, तो चलिए इस पर हम क्लिक करेंगे। राइट साइड पर क्लिक करेंगे, न्यू सैम्पल वॉल्यूम इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपके अब हमने एक अगला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है स्टोरेज दिखा देगा कि इसमें कितनी स्टोरेज होगी। नेक्स्ट पर दोबारा से क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो है अपने जो डिस्क का हार्ड ड्राइव का कोई भी जो है कैपिटल लिख सकते हैं, जैसे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क एफ, इस तरह के कोई सी आप कैपिटल लेटर चुन लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप दोस्तों वॉल्यूम लेवल अब यहाँ पर आप नाम डाल सकते हैं, जैसे लोकल डिस्क एफ, लोकल डिस्क सी, तो जो भी आप नाम डालना चाहे डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप लोकल डिस्क ही डालें। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नाम, यहाँ पर मैंने जो है नाम डाल दिया है दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोबारा से, लोकल डिस्क एफ मैं इसमें डालना चाहता हूँ। नेक्स्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों लोकल डिस्क सी जो हमारी कंप्यूटर में पहले से ही थी, और लोकल डिस्क एफ ये जो अभी हमने बनाई है 50 GB वाली स्टोरेज, तो मैं आपको बताता हूँ ये हमारे कंप्यूटर में बन चुकी है। तो यहाँ पर बैक करेंगे, दिस पीसी के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा और देख सकते हैं आप दोस्तों हमारी एक अलग ड्राइव बन चुकी है। तो बड़ा ही आसान है दोस्तों अपने कंप्यूटर में एक अलग ड्राइव बनाना। इस तरीके से आप भी अपने पीसी के अंदर एक अलग ड्राइव बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और वहाँ पर अपना कोई भी डेटा को स्टोरेज करके रख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना। अगर इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। जो भी आप मुझे क्वेश्चन करेंगे मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।